अफ्तार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शहरीन। सैलाब ब्यूटी जॉइंट, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयरब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5,000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज पुरनपुर भगवंतपुर चुंगी पर नेशनल आई केयर सेंटर एंड ऑप्टिकल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानव अधिकार संरक्षण के द्वारा निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें गरीब और बेसहारा लोगों की आंखों की निशुल्क जांच की गई। जांच के दौरान जिन लोगों की आंखों में मोतियाबिंद, नाखून, काला पानी जैसी समस्याएं पाई गई, उन लोगों को इस कैंप के माध्यम से बरेली मांग ज्योति आईस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए अपने निजी वाहन से भेजा गया, जिसमें 180 ओपीडी की गई। ओपीडी के माध्यम से 50 मरीज ऑपरेशन के लिए बरेली भेजे गए। अगला कैंप 7/11/2021 को प्रधान मास्टर फयाज वाली गली में लगाया जाएगा। इस कैंप का संचालन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के पदाधिकारी डॉक्टर अशफाक हुसैन, यूथ प्रदेश सचिव और जिला उपाध्यक्ष जुबेद खान द्वारा किया गया। इसमें नेशनल आई केयर सेंटर एंड ऑप्टिकल के डॉक्टर रईस अंसारी, डॉक्टर मेहताब हुसैन, शमशाद हुसैन, जैनब सना, अफरोज हुसैन, अनस अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। आज नेशनल आई केयर की तरफ से पूरनपुर देहात क्षेत्र में निःशुल्क कैंप चलाया जा रहा है, जहां पे गरीब लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ऑपरेशन की भी सुविधा है। जहां पे जिनको मोतियाबिंद वगैरह हो गया है तो उनको फ्री में यहां से दूसरे हॉस्पिटल, जो इनका बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे इलाज के लिए भेजा जा रहा है। ऑपरेशन की फ्री सुविधा है। और आइए यहां पे डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रईस अंसारी नाम है मेरा। अच्छा, आज जो आपके द्वारा यहां पे फ्री कैंप लगाया गया है, इसमें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, ये हमारा नेशनल आई केयर सेंटर हमारा अपना पर्सनल सेंटर है, जिसमें मरीजों के लिए सारे ऑपरेशन की सुविधा फ्री रखी गई है। फ्री इलाज सारा जो भी है, दवाइयाँ और उसके अलावा ऑपरेशन, चश्मे, सब कुछ फ्री बट रहे हैं। और हमारा दूसरा सेंटर गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल बरेली में है, जहाँ पे हमारे ऑपरेशन की सुविधा है। वहाँ पे मरीज को बरेली लेके जाएंगे और वहाँ से वापस शाम को ही ऑपरेशन करा के ले आएंगे। रात में रुकने की व्यवस्था यहीं हॉस्पिटल में ही की गई है। उसके अलावा आपको सुबह जो भी है डिस्चार्ज मिलेगा, सारे पेशेंट को दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी और काला चश्मा फ्री दिया जाएगा। उसके बाद में सारे मरीज अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, जो मरीजों को आप यहाँ से बरेली ले जाएंगे तो वो प्राइवेट गाड़ी से ले जाएंगे या अपनी अपनी गाड़ी से लेके जाएंगे? देखिए, हमारे पास अपनी गाड़ी भी है, हम एक गाड़ी तो अपनी लगाएंगे, बाकी जो भी मरीज हैं उनके लिए एक बस का अरेंजमेंट किया है, उस सारे मरीज बस में जाएंगे। चलिए, काफ़ी अच्छा मतलब है आपका हिसाब किताब, और मतलब आगे भी आप सुविधाएँ देते रहेंगे लोगों को, और काफ़ी अच्छा मतलब हिसाब किताब है आपका। तो आप आगे मतलब दोबारा भी एक कैंप और लगने वाला है, उसके बारे में भी आप जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख को हमारे रजागंज देहात क्षेत्र में मास्टर फैयाज प्रधान जी के यहाँ पे कैंप लगने वाला है, जिसमें भी ये सारी सुविधाएं फ्री आपको दी जाएंगी। जैसे कि सारी जाँचें आँखों से रिलेटेड, सारी मोतियाबिंद की, नाखूना, नासूर, पड़वाल, जो भी बीमारी है, सारी जाँचें फ्री की जाएंगी और साथ में उसका उपचार भी किया जाएगा, जिसमें दवाइयाँ फ्री बटेंगी और आपका चेकअप फ्री रहेगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी फ्री रहेगा और काला पानी का ऑपरेशन भी फ्री रहेगा। सारे ऑपरेशन के लिए फिर से वहीं बरेली गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल में मरीजों को ले जाया जाएगा और उसमें भी हमारी बस ही लगेगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग ऐसे ही पेशेंट, जैसे अभी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर वहाँ भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम और आगे भी कैंप लगाते रहेंगे ऐसे ही।